Xiaomi 13 सीरीज बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसका लॉन्चिंग डेट ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, जो कि 26 फरवरी 2023 है। आज हम जानेंगे कि इस फ़ोन में हमें क्या क्या फीचर मिलने वाला है। इसका सबसे हाईलाइट फीचर है वो है कैमरा, जो कि लाइका के पार्टनरशिप के साथ आता है। शुरुआत करते हैं कैमरे से ही। दोनों ही फ़ोन में मेन कैमरा 50 MP का होने वाला है, लेकिन इसमें सेंसर अलग अलग होंगे। यहाँ पर MI 13 में आपको सोनी IMX 800 देखने को मिलेगा, वहीं पर 13 प्रो में सोनी IMX 989 1 इंच टाइप सेंसर देखने को मिलेगा। अल्ट्रा वाइड के लिए MI 13 में 13 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, वहीं पर 13 प्रो में 50 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। दोनों ही फ़ोन में टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है। जहां पर MI 13 में 10 MP का होगा, वहीं पर 13 प्रो में 50 MP का होगा। सेल्फी के लिए दोनों ही फ़ोन में 32 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर। तो यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस में दोनों ही फ़ोन 8 Gen 2 का चिपसेट देखने को मिलेगा। रैम इसमें DDR5 का मिलेगा और रोम में यहाँ पर आपको UFS 3.1 एंड UFS 4.0 अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में यहाँ पर आपको दोनों ही फ़ोन में HDR10+ एंड डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा। साथ ही प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस का भी सपोर्ट मिलेगा। बैटरी यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में अलग अलग होने वाला है। MI 13 जिसमें 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, वहीं पर 13 प्रो में 4820 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा। दोनों ही फ़ोन फास्ट चार्जिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग एंड रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों ही फ़ोन में एंड्रॉयड 13 के साथ MIUI 14 देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो फ़ोन के सारे फीचर अच्छा ही है। ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। अब देखा जाएगा कि इसका प्राइस कितना सही रहता है।